आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बुलंद दरवाज़ा, देखिए पहला प्रश्न है आपका कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो था वह प्रथम मतलब मुस्लिम शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, लोदी वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो देखिए लोदी वंश के जो प्रथम शासक थे वह थे बहलोल लोदी। कौन थे, बहलोल लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसे याद कर लेंगे आप। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है, तो भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है 10 वर्ष गुजारने के बाद जो है कोई भी विदेशी जो है यहाँ की नागरिकता के लिए जो है आवेदन दे सकता है, मतलब कि उसको जो है भारत में 10 साल रहना पड़ेगा तभी जो है भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। अब बाकी देशों की अपनी अपनी अलग है, कहीं पर 5 साल है, कहीं पर 6 साल है, लेकिन भारत में जो है 10 साल है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो 1857 का विद्रोह जो है सर्वप्रथम जो है मेरठ से हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह ने जो है अगुवाई किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, देखिए टाइटन जो है निम्नलिखित में से मतलब कि अरुण वरुण बृहस्पति शनि इन सभी चारों ग्रहों में से जो है टाइटन जो है किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है शनि ग्रह का जो है उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह जो है चीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा है आपको कि संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इसका सॉरी लोकसभा अध्यक्ष सही है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नार की जो खाड़ी है यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है, कानूनी अपराध है अगर किसी का मतलब कारखाना में 14 वर्ष के बच्चे कार्य कर रहा है, तो मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है कारखाना में काम नहीं करवाने देना है, तो यह जो है अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो बच्चा 14 वर्ष का है या 14 वर्ष से कम उम्र का है उसको जो है कोई भी कारखाना में जो है काम नहीं करना है, नहीं करवाना है, ना ही उसे कार्य काम देना है, वंचित रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पन्ना, देखिए पन्ना एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना जो है निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर क्या है, सोने की खान, कोयले की खान, हीरे की खान, इनमें से कोई नहीं, तो पन्ना जो एक मतलब जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वह जो है हीरे की खान के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था, अंतरिक्ष में जो है सर्वप्रथम जो है निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था, मनुष्य को, कुत्ता को, रोबोट को, बंदर को, तो सबसे पहले जो है कुत्ता को भेजा गया था, कुत्ता को जो है भेजा गया था अंतरिक्ष में, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न है,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो देखिए, कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो होता है निम्नलिखित में से जो है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है विनोबा भावे ने किया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका बी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है झेलम नदी पर जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो मतलब जैन के जो 23वें तीर्थकार थे, अंतिम तीर्थकार थे महावीर, इनका जो प्रतीक है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह सिंह था। 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म मतलब जैन के महावीर, याद रखिएगा 24वें तीर्थकार महावीर थे जैन के और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप का जो संबंध है वह जो है आपका फुटबॉल खेल से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग, देखिए गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, जो कि घोड़ा से ही रिलेटेड है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? विश्व विजेता सिकंदर के जो घोड़े का नाम था वह क्या था? तो वह जो था चेतक था। क्या था? चेतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है कर्नाटक राज्य से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, भोर तथा सान्यकाल का तारा, देखिए भोर तथा सान्यकाल का तारा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है भोर का तारा या सान्यकाल का तारा जो है आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है? तो गोलकुंडा का किला जो है निम्नलिखित में से जो है तेलंगाना राज्य में जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद हो गया? नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जो है जनेवा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ है, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो देखिए डोगरी जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य की जो है भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से क्रिकेट खिलाड़ी को जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो है शोएब अख्तर को जो है जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज जो है बॉलर थे, इसीलिए जो है इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होता है? भारत की जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा होती है वह किस चीज़ पर जो है खर्च होता है? तो वह होता है ईंधन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, सबसे ज़्यादा जो होता है भारत का जो विदेशी मुद्रा होता है वह ईंधन के ऊपर जो है खपत होता है, मतलब खर्च होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका प्लूटो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्लाइंग सिख के नाम से, देखिए
फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, एक खिलाड़ी है जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से मतलब मशहूर है, तो वह जो है मिल्खा सिंह जी थे, या इनका डेथ हो गया, तो मिल्खा सिंह जी जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जो है जाने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है आपका, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला जो है निम्नलिखित में से जो है अवसादी चट्टान में जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका बी है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे, तो आर्यभट्ट जो है निम्नलिखित में से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो भारत का प्रथम उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, या किस राज्य को जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, तो उत्तराखंड राज्य को जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया गया, तो निम्नलिखित में से जो है हिंदी को भारतीय भाषा में दर्जा देने के लिए जो है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 343 का में कहा गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका डी है, अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने के द्वारा तैयार किया गया था, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है निम्नलिखित में से जो है पिंगली वकाया के द्वारा जो है तैयार किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पिंगली वकाया के नाम मतलब के अनुसार के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह को जो है निम्नलिखित में से जो है 1931 ईस्वी में जो है फांसी दी गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।